हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्त, आपका लक्ष्मण टेक चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागतम करता हूं। तो दोस्त, आज की वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं। तो दोस्त, आज का हमारा वीडियो है कि अपने एक ही मोबाइल फ़ोन में यानी 2 4G सिम को कैसे यूज करें। इसमें आपको कोई पोर्ट चेंज नहीं करना पड़ेगा, एक ही मोबाइल फ़ोन से आप 2 4G सिम यूज कर सकते हैं। जियो प्लस एयरटेल आप चला सकते हैं, वो भी फ्री में। इसमें कोई आपको चार्ज नहीं लगेगा सेटिंग करने के लिए। सिर्फ आपको मैं 2 सेटिंग बताऊंगा। 2 सेटिंग आपको इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको सिर्फ आपको ज़्यादा नहीं 2 मिनट टाइम लूँगा। 2 मिनट में आपको दोनों सेटिंग के बारे में बता दूँगा और कैसे उसको यूज करना है और कैसे इनेबल करना है। आपको कभी पोर्ट चेंज नहीं करना पड़ेगा, एक ही मोबाइल फ़ोन में आप दोनों सिम को 4G में यूज कर सकते हैं। मैं इसमें आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे। तो चलिए गाइज, हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अपने मोबाइल के सेटिंग में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा मोबाइल का सेटिंग आ रहा है, नहीं तो ऊपर से आप देख सकते हैं यहाँ भी आ रहा है। इसमें आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क्स लिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अपडेट होने के बाद कुछ ऐसे चेंज हो गया है। तो सॉरी, यहाँ पे नेट मेरा बंद हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा अभी एक ही सिम से यानी जियो वाला सिम से मेरा नेट अभी चल रहा है और यहाँ पे एक ही LTE आ रहा है। यहाँ पर ऊपर आप लोग देख सकते हैं एक ही LTE आ रहा है, एक सिम में लास्ट वाला में LTE आ रहा है। और इसमें भी LTE आपको मंगाना है तो कैसे मंगा? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डुअल 4G, यहाँ पे लिख रहा है डुअल 4G, यानी आप डबल 4G सिम चला सकते हैं। तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते समय आपका वहाँ पे इनेबल हो जाएगा कुछ ही समय में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दोनों इनेबल हो गए, यानी दोनों 4G हो गया। सिर्फ आपको एक ट्रिक है ये, और दूसरा ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूँ कि उसमें आपको सिर्फ सिंपल ट्रिक है, उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिंपल ट्रिक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डाटा कार्ड लिख रहा है। अगर मान लीजिए अभी आपका जियो पे नेट चल रहा है, तो जियो पे नेट चल रहा है तो आपको चलाना है एयरटेल पे नेट। अगर मान लीजिए जियो का आपका नेट ख़त्म हो गया और एयरटेल में आपका नेट है, तो उसमें से आप अगर चलाना चाहते हो तो क्या करना है, इस पर यहाँ पर एक नंबर पर है तो इस पर 2 नंबर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते यहाँ पर आप देख सकते हैं एयरटेल का नेट कनेक्ट हो गया, एयरटेल का नेट चल रहा है। और इस पे करेंगे तो जियो को हो जाएगा। इसमें आपको टाइम नहीं लगा, सिर्फ इस दोनों पे आपको ध्यान से देखना है कि इस पे डाटा कार्ड लिख रहा है, इस पे 1 नंबर पे है तो 1 नंबर पे अभी सिम चल रहा है। आपको ध्यान देना है कि 1 नंबर पे आपका जियो का सिम है या एयरटेल का सिम है। आपको जो भी यूज करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं, उस पर क्लिक करना है यूज हो जाएगा। और यहाँ पर डुअल 4G लिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। अगर इनेबल होगा तो इसको क्लिक कर देना है, चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद आपका दोनों 4G पकड़ लगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा अभी एक ही LTE आ रहा था, अभी दोनों LTE आ गए, यानी दोनों मेरा 4G सिम हो गए, यानी 4G चल रहा है। तो चलिए गाइज, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देंगे, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आपको इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए सो थैंक यू, सो वेलकम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।